अरे बच्चों नमस्ते, सब खुशी है ना? देखिए बच्चों, हम सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको अपनी जिंदगी में खुशी, दुख, निराशा आदि बहुत अधिक भावों से गुजरना पड़ा। किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति को अपने सच्चे मन से हाथ देकर उठाने वाला ही सच्चे इंसान है। इसका उदाहरण केरल के प्रलय के समय में ही हमने बहुत अधिक देखा। विशेषता मध्य प्रदेश के विष्णु कुमार नामक युवक है, वो गली गली में कंबल और चादर बेचने वाले थे। उन्होंने प्रलय के संकट में पड़ गए व्यक्तियों को 50 कंबल देकर बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी। वही सच्ची मनुष्यता है। देखिए, आज हमें विनोद कुमार शुक्ला की कविता पर नरेश सक्सेना की टिप्पणी "हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था" नामक पाठभाग पढ़ना है। बच्चों, अब हमें नरेश सक्सेना और विनोद कुमार शुक्ला की प्रोफाइल देखना है। बच्चों, अपनी पुस्तिका में देखिए, इसके दो भाग हैं। पहले विनोद कुमार शुक्ला जी की कविता "हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था" है और दूसरा नरेश सक्सेना की टिप्पणी है। अब हमें एक कविता देखना है। पहले पाठ का नाम क्या है बताइए? "हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था". One man sat with frustration. हताशा माने फ्रस्ट्रेशन। देखिए, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैं ने हाथ बैठाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बैठाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। देखिए, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। यहाँ मैं कौन है? कवि शुक्ला जी कहते हैं, मैं ने हताशा से बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, लेकिन वो व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। उस व्यक्ति कौन है उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि वो तो हताशा से बैठते थे। देखिए, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने उस व्यक्ति के पास जाकर मेरा हाथ दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। जब मैंने हाथ बढ़ाया, तब वो व्यक्ति क्या किया? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। देखिए, वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, और वो व्यक्ति को ही मुझे नहीं पता है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। देखिए बच्चों, हम कौन कौन है? कवि और जो हताशा से बैठे हुए जो अनजान व्यक्ति है ना, वो तो मेरे हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और हम दोनों साथ साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम दोनों को आपस में नहीं जानते थे, लेकिन हम एक साथ चल बसे। ठीक है, यह तो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता है। ये तो हमें पढ़ने में बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, आप सब लोग एक कविता देखा है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, सही उत्तर बताना। ठीक है, पाठभाग का नाम क्या है बताइए? हताशा से एक व्यक्ति
बैठ गया था। ठीक है, किसके आधार पर लिखा हुआ टिप्पणी है? किसके आधार पर? कविता के आधार पर लिखा हुआ टिप्पणी है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो किसकी कविता है बताइए? हाँ, विनोद कुमार शुक्ला जी की कविता है। ये टिप्पणी किसने लिखा है, किसी को बता सकते हैं? नरेश सक्सेना की टिप्पणी है। हाँ, मैं कौन है? मैं बताओ। हाँ, कवि। हाँ, कवि है मैं। मेरे हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ है, वो कौन है? वो कौन है? हाँ, जो अपरिचित व्यक्ति। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ नरेश सक्सेना अबाउट द पोयम ऑफ विनोद कुमार शुक्ला हू इज फेमस एज द क्रिएटिव पोएट ऑफ हिंदी। This idea of the poem is clear. In the saying, person is not known, despair is known. To know means know his frustration, helplessness and difficulties. So, this poem reminds us to know man as man. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि सबको पढ़ित भाग का आशय समझ गई है। शेष भाग अगले क्लास में है। धन्यवाद।